नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भावना टून्स में। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे YouTube चैनल पर आपको प्रतिदिन ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी। और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम, राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। आज हम जानने वाले हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और राम मंदिर के बारे में। जिनको इस बारे में पहले से पता हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्हें पहले से पता ना हो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि भी रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। तो हम लोग आज जानने वाले हैं इस भव्य मंदिर को किसने बनाया और इस भव्य मंदिर को किसने तोड़ा। श्री भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। वो राजा दशरथ को सब पुत्रों में सबसे प्रिय कहे जाते थे। आगे चलकर भगवान राम ने ही रावण को मारा था और माता सीता को रावण से बचाकर वापस लाए थे, और उन्होंने अनेकों जन कल्याण के काम भी किए। तो हम जानेंगे अयोध्या पहले कैसी थी। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकंड में यह उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन पूरे विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का भी उल्लेख मिलता है। वहां चौड़ी सड़कें और भव्य महल हुआ करते थे। बगीचे और आम के बाग थे, और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल के जैसा था। यह महापुरी 12 योजन यानी कि 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर और लंबी और चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने भी अयोध्या को सजाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु की महाभारत युद्ध में हो गई अभिमन्यु के हाथों। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना ही रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या तक पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने खोज आरंभ की, और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें यह पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कुप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था।
जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा दो अश्वमेघ यज्ञों के किए जाने का भी वर्णन है। इनके अभिलेखों से यह पता चलता है कि गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख भी किया है। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद जब अयोध्या आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर फेंक दिया और अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का भी काफ़ी आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी काफ़ी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 1527 से 1528 में अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी जो 1992 तक मौजूद थी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में जय श्री राम राधे राधे ज़रूर लिखें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।